देखो यार, हम सबके पढ़ने का तरीका अलग है, हम सबके याद करने का तरीका अलग है, लेकिन मैं अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई है मैंने। आपको अच्छी लगे तो सही है, नहीं तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो। मैंने सबसे ऊपर, अगर आपने वीडियो खोलने से पहले पढ़ा होगा, तो मैंने लिखा हुआ एक चीज़ वहाँ पे, वेल बिगन इज़ हाफ डन। इसका मतलब है, अगर आप अच्छी तरीके से शुरुआत करके बैठ करने के लिए बैठते हो, तो वो समझ लो आधा काम आपने पूरा कर लिया। मतलब अगर आपने किसी चीज़ को करने की एक अच्छी प्लानिंग बना ली, तो इसका मतलब आपका आधा काम निपट गया उस प्लानिंग बनाने में ही। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, उन चीज़ों का ध्यान रखना। किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में जब हमारे फॉर्म होते हैं ना, जब ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तो हम इस टाइप से ही करते हैं उन्हें कि हाँ, हमें लगता है कि बिल्कुल आधा काम निपट गया। जैसे कि जब हम कोई फॉर्म लेते हैं, तो उस पर तारीख लिखते हैं, तो हम उन्हें सॉर्ट करते हैं तारीख वाइज। तो जो सबसे ऊपर का फॉर्म आ जाता है हमारे पास, तो हमें लगता है अरे, इसका तो रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसका तो बस फाइनल स्टेप ही करना है, क्योंकि वो 10 दिन पुराना है। तो जैसे हम रजिस्ट्रेशन हो ही रहा था, उसका लास्ट स्टेप करते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी काम निपट जाता है। फिर बाद के 5-6 फॉर्म ऐसे बचते हैं जो हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। ये मैं कैफ़े का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपके हिसाब से अभी मैं बात कर रहा हूँ। देखो, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा CCS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्लान 10 फरवरी, मतलब कल से हम बात स्टार्ट करेंगे। मान लो कल से तैयारी करोगे, तो 21 फरवरी का, मतलब कल से लेके 21 तारीख तक टोटल 12 दिन है आपके पास। 22 तारीख को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 22 तारीख का हमारा पेपर है। ठीक है, तो 12 दिन का आपका ये प्लान है। अब 12 दिन में आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, अभी 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए हमने, दो दो दिन, मतलब 10 11 एक दिन हो गया, और मतलब 6 दिन टोटल हो गए। अगर हम दो का ग्रुप बनाएं, एक सब्जेक्ट हमें 2 दिन में कवर करना है। अगर आपका कोई पेपर ऐसा है, ईजी है और एक टफ़ है, तो ईजी वाले को कम टाइम दे के जल्दी कवर करेंगे, और टफ़ वाले को ज़्यादा टाइम दे के उसे थोड़ा सा, मतलब 4 दिन का टाइम लेके कवर कर देंगे दोनों को। मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ अभी। तो ये स्लाइड है हमारी। अभी मान लो 12 दिन बच रहे हैं आपके पास, आज है 10 फरवरी, पहला दिन है आपका, तो कंप्लीट करना है आपको इजी से सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है ना, आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाओगे और उसे पढ़ना शुरू करोगे। मैं पढ़ने से मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको याद करना है, आपको याद नहीं करना है, आपको पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, टोटल चीज़ें पढ़ लो। आपको एक चीज़ की मैं बता दूँ, जानकारी दे दूँ, कि जब आप एक चीज़ मान लो रात को कुछ पढ़ते हो ना, एक पेज, मैं आपको चलो एग्जांपल के लिए बता दूँ, आप रात को एक चैप्टर पढ़ के सो जाओ कोई सा भी, आपको याद नहीं करना, आपको बस पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, और सुबह को 4 बजे उठ के वही चीज़ पढ़ो, तो वो चीज़ ऐसे लगेगी जानी पहचानी है और याद हो जाएगी वो तुरंत ही। ठीक है, एक बार से नहीं होगा तो दूसरी बार से हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बस, मैं कह रहा हूँ, 2 दिन का टाइम है आपके पास। 12वां दिन है आज, 10 फरवरी है, 10 फरवरी को 12वां दिन है, पहला दिन हमारे 12 दिन में से पहला दिन। आपको एक कंप्लीट सा ईजी सब्जेक्ट उठाना है, जितने आपके पास पेपर है। ठीक है, मैं 6 पेपर समझ के चल रहा हूँ, तो 6 पेपर में से एक ईजी सब्जेक्ट उठा। मान लो आपको इंग्लिश आसान लग रही है, इंग्लिश का उठा लिया एक मॉडल पेपर, ठीक है, और उसे पढ़ना शुरू कर दिया, उसे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुबह को जाकर उसकी रिविज़न करो तगड़ा। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको पहला दिन जो आपका है। अभी आया हमारा 10वां दिन, मतलब 2 दिन हमने उसे दे दिए सब्जेक्ट को। ईजी सब्जेक्ट हो तो उसे बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश, बस पढ़ना उसे, ठीक है, पढ़ना और फिर रिवाइज करना सुबह को। और 10वां दिन, चलो 12 फरवरी आ गई हमारी, डे 3, उसके बाद जो इजी सब्जेक्ट आएगा हमें वो पढ़ना है, उस पर कवर करना है। ठीक है, इसी हिसाब से हम करेंगे, इसी हिसाब से हम अब करेंगे। 8वां दिन आ गया, अब आ गई 14 फरवरी, अब दिन है आपका 5वां। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग मोस्ट है, मतलब हेडिंग से ही आपको नंबर मिलते हैं। CCS यूनिवर्सिटी यार, अगर मैं क्या बताऊँ आपको, हम मतलब मैं अगर अपनी बात बताऊं, तो हम BBA में 3 दोस्त थे, हमने मैंने गाज़ियाबाद से BBA करी है। हम हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, मैं था, राहुल भसाक बंगाल का था, नीतीश मंडल और ये था मध्य प्रदेश का, दोनों के दोनों बिजनेसमैन हैं, और मैं था भैया एक गंवार आदमी। तो हमने तीनों ने तैयारी करी तगड़ी, मतलब मुझसे वो पढ़ते थे, मतलब मेरा तो ऐसा, उनका तो बिजनेस में उलझे रहते थे, वो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मैं वहाँ पे पढ़ता था और लास्ट टाइम पे मैं उन्हें पढ़ाता था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उन्हें यही बताता था कि तुम हेडिंग याद रखो, क्योंकि हेडिंग के अंदर CCS यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, हेडिंग याद हो तो हेडिंग के अंदर खुद भी बना के कोई लिख देता है। अभी जो राहुल वसाक है, उस लड़के ने मतलब
छोटा 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 लिखा इसलिए उसकी बैक लग गई थी, क्योंकि छोटा छोटा नहीं लिखना चाहिए यार। मतलब सीसीएस यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती कि आपको कितना ज्ञान है, सीसीएस यूनिवर्सिटी देखती है आपने कितना लिखा है। ये कड़वी सच्चाई है सीसीएस यूनिवर्सिटी की। तो आपको भरना है यार पेज कैसे भी करके। अगर मान लो एक क्वेश्चन है आपको कुछ भी नहीं आता उसमें, तो कुछ भी लिखो यार। देखो ये गलत वे में मत ले जाना, लेकिन आप कुछ भी लिखो, क्योंकि टीचर आपको कोशिश करता है नंबर देने की कि इसे फेल ना करूं, लेकिन वो नंबर कहाँ से दे जब आपने क्वेश्चन ही नहीं करा। तो क्वेश्चन करना है आपको। आठवां दिन है, 14 फरवरी है आज, और पाँचवा दिन है, ठीक है, 8 दिन बच गए आपके, ठीक है। फोकस करना है हेडिंग पे सबसे ज़्यादा। उसके बाद बच गए आपके 6 दिन, 16 फरवरी आ गई, 7वां दिन है आज। तो भैया आप अपनी कैपेसिटी को अभी जानते हो कि आप कितने टाइम में कितने सब्जेक्ट पढ़ लोगे, और क्योंकि आपने पहले ही इतना टाइम दे दिया है सब्जेक्ट को, तो आपकी जो याद करने की कैपेसिटी होगी, पढ़ने की कैपेसिटी होगी, और जो आपको टाइम बचाने की कोशिश कर रहे होंगे वो आपको बचता चला जाएगा। तो आपको कैपेसिटी अपना मतलब करना है, जैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है टाइम का। अब टाइम पर फोकस करना है, हार्ड सब्जेक्ट आएंगे टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। स्टार्टिंग आपने ईजी सब्जेक्ट से करिए, अगर 4 घंटे दिया तो आप 5 घंटे देना पड़ेगा, 6 घंटे देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये 12 दिन ऐसे हैं जो आपका पूरा साल है, ठीक है, तो इनमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी चौथा दिन आ गया, 18 फरवरी है आज, और 9 दिन, 4 दिन बच गए, 18 फरवरी है, 9वां दिन है। तो डबल करना है अपना काम को। अगर 4 दिन पढ़ रहे थे तो 4 घंटे पढ़ रहे थे तो 8 घंटे आपको करना है, डबल करना है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद बच गए हमारे पास 2 दिन, आज है 20 फरवरी, 11वां दिन। तो भैया अगर आप प्रेशर में हो, मतलब आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप अब पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग ये डिसाइड नहीं कर पाएगा जो 20 फरवरी है, क्योंकि 20, 21, 22 तीसरे दिन पेपर हैं आपके, 2 दिन रह रहे हैं। अगर आपने ये अब तक कुछ नहीं करा है तो आपका दिमाग ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि क्या करूं और कैसे करूं। जब आप दिमाग को आपका काम का बर्डन दिखेगा ना कि हमारा इतना सिलेबस है, तो फिर ये छोड़ोगे सोच, ये दिमाग में आएगा छोड़ यार टाइम पे ही देखेंगे। फिर आपके दिमाग में थ्योरी बनेगी अपने आप ही, जिस दिन पेपर होगा उससे एक रात पहले पढ़ेंगे, और फिर साला हर हर जगह पे आप मॉडल लेके घुसोगे कि हाँ भैया नहाते हुए खाते हुए सब जगह पे मॉडल ही मॉडल। उस टाइम पे आपको फ़ोन की नोटिफिकेशन जरूरी, फ़ोन कॉल भी नहीं दिखने की, इतना प्रेशर हो जाएगा। और उस प्रेशर में जो आप याद करोगे वो 99% आप भूल जाओगे। आप जब के एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको ये तो याद है कि हाँ भैया ये याद करा था, लेकिन ये भूल जाओगे क्वेश्चन क्या था इसका, ये मैंने किस लिए याद करा, इस टाइप का दिमाग हो जाता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। दूसरा दिन था ये, अभी आता है आपका अगला स्लाइड। तो ये है आपका 22वां दिन, वहाँ तक की आपने तैयारी कर ली। तो आपको सुबह 4 बजे उठना है। तो जो आपने सबसे इजी सब्जेक्ट से लेके हार्ड सब्जेक्ट तक सारे पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, अब आपके दिमाग में आपने मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा, 5-5 पेज पढ़े हैं, ठीक है, आपको कम से कम इस तारीख को सुबह 4 बजे, मान लो आपका 7 बजे भी अगर पेपर है ना, 4 बजे उठ के आपको ये पता चलेगा कि 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 3 घंटे में से 2 घंटे मेरे पास हैं। और आप उन चीज़ों को पकड़ पाओगे कि कहाँ पे मॉडल में क्या चीज़ लिखा हुआ है, मतलब मॉडल आपका बिल्कुल अननोन नहीं रहेगा, अपरिचित नहीं रहेगा, आपको उस मॉडल की जानकारी होगी कि कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। और जब भैया किस चीज़ की जानकारी हो, फिर तो कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, तो उस मॉडल में से आप वो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ देख सकते हो। और आप यकीन मानिए, आप अगर इतना काम आपने कर लिया ना तो आप मतलब अच्छे नंबर से अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। और राइटिंग वगैरह अपना वो तो आप डिसाइड करोगे कि कौन सा क्वेश्चन पहले और कौन सा, अगर चलो मैं अपनी बात बताऊँ ना, देखो मुझे इसका पैटर्न तो ज़्यादा कुछ पता नहीं, और मैं ये बस आपके लिए आपने रिक्वेस्ट करी मैंने वीडियो बना दे, नहीं तो मेरी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। मैं अपने मेथड के हिसाब से मैंने अब बताया मैं कैसे तैयारी करता हूँ इस चीज़ की, मैंने एमकॉम करी है, मैंने किस टाइप से तैयारी करी है इसकी, मेरे अच्छे नंबर हो रहे हैं। मैं बहुत कम, देखो मैं और मेरी सिस्टर हमने पहले DL करी है, तो वो पूरे टाइम दिन रात पढ़ती रहती है, और मैं पढ़ता हूँ कम से कम मतलब ऐसे ही मैं 12-13 दिन की प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन वही है ना, वेल बिगन इज़ हाफ डन, अच्छी तैयारी अगर आप कर लोगे ना तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और फिर फोकस की बात हो जाती है, ठीक है, वो बोलते हैं कि मेरे जल्दी याद हो जाता है, मैं जल्दी याद नहीं करता हूँ, मैं इस टाइप से स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। आपको बनानी चाहिए ये चीज़, ठीक है।
तो सारी की सारी हेडिंग आपको पता चल जाएगी किस टाइप से। फिर आप वहाँ से आज मतलब 22 को कौन सा पेपर है वो चीज़ें लेके आप इजीली यार कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता रहा था, हाँ, हम जैसे अभी हमने डीएलएड अपनी कंप्लीट करी है, तो डीएलएड में क्या होता है कि सबसे एक चीज़, जैसे मैं अपने मेथड से बता रहा हूँ, देखो उसका अलग मेथड है, मेरा अलग मेथड है, आपका अलग मेथड होगा, लेकिन मैं अपने मेथड से बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपका, हमारे डीएलएड में आए हैं सबसे पहले 10 क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑप्शन ए बी सी डी इस टाइप से। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट, फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के 15 क्वेश्चन उसमें आते हैं। 10 आ गए वो, और तीन तीन आ गए आपके वेरी शॉर्ट, और 2 आ गए वैसे, ठीक है। तो इस टाइप से डिवाइड होते हैं, अभी वहाँ पे देखूँगा तो मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू उसका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका ये पढ़ पाऊँ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मैं सोचता हूँ इधर उधर से देख के भी ये थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऊपर लिखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक लाइन छोड़ के मैं 10 तक लिख देता हूँ। उसके बाद कॉपी पलट ली, मैंने आंसर नहीं लिखा ना, एक भी पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन को। फिर आया मैंने ऊपर लिखा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में लिखने स्टार्ट करता हूँ। पहला आंसर लिखा जो मुझे सबसे जल्दी आता था या सबसे आसान लगा, सबसे पहले वो लिखो जो सबसे आसान लगे, क्योंकि टीचर आपका पहले क्वेश्चन पे ही फोकस करेगा और वो समझ जाएगा कि बच्चा क्या है, आगे क्या उसने भर रखा होगा। अगर पहला क्वेश्चन आपने गोबर लिख दिया ना, तो टीचर की मेंटलिटी बन जाएगी कि अंदर क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल गजब लिखना है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा आता हो, मतलब पहले वाला तो बिल्कुल परफेक्ट, दूसरे वाला उससे कम परफेक्ट, फिर कम परफेक्ट, ऐसे करके आप 5 सब्जेक्ट लिखोगे। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करने को पहले क्यों नहीं बोला, लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए नहीं बोला मैंने करने को, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा आपको हेडिंग याद करनी पड़ेगी, ज़्यादा हेडिंग याद होंगी नहीं आपसे। अगर हो गई तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, मैं सिर्फ इसे वीडियो को अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए बोला है, मान लो शॉर्ट क्वेश्चन तीन तीन नंबर के हैं, तीन तीन के होंगे नहीं वैसे, तीन तीन नंबर के हैं, तो दो दो नंबर उस पर दे देगा वो, दो 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 दो। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका ज़्यादा 8 नंबर का है, तो उस पर कितने नंबर, अगर उसने पढ़ लिया ना वो सही से, और आपको कुछ गलती लगी उसे, या आपके मेंटलिटी का पता चला कि भैया इसने तैयारी नहीं करी सही से, तो वो कम नंबर देगा। और उस नंबर पे मगर उसने 8 नंबर में से 4 नंबर दे दिए ना उसके, तो उसका मेंटलिटी ये बन जाएगी लड़के को आधी नॉलेज है, फिर वो जहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन था ना, 3 नहीं देने का, वो 2 नंबर देकर चलेगा या फिर उसे पढ़ेगा, ठीक है ना। तो पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख देने अगर आपके में होते हैं तो, और आपका प्लानिंग मैंने बताई दी आपकी, फिर आपके जो मैंने बताया बस आप समझ ही गए होंगे, आप समझदार हो। बाकी कुछ अगर मुझसे पूछना है तो मुझे बता, मुझे कमेंट करना। और हाँ, पेपर जब आपकी स्कीम आ जाएगी मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा। मेरे ये समझ लो, जब कैफ़े पे रहता हूँ तो एक टैब में ccsuniversity.ac.in खुली रहेगी, आप चैनल पे मेरे आके कम्युनिटी टैब चेक कर देना ना, कम्युनिटी टैब में तुरंत मैं बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, वीडियो मिलेगी आपको शाम को 7 बजे ही, लेकिन वहाँ पे मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा जैसे जो भी बात हो, ठीक है। तो बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट करें मुझे, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा उसका।